दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आपके बेड पे बैठ जाने के बाद कोई मेरी लाइट्स को ऑफ कर दे, फैन को ऑन कर दे, टीवी को ऑन कर दे, तो वो बार बार तो कोई नहीं करने वाला है। और हमें ये पसंद भी नहीं होता है कि हम एक बार बैठ जाने के बाद उठ के उसको दोबारा मैन्युअली ऑन करें या ऑफ करें। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं लेके आया हूँ आज स्मार्ट वाईफाई स्विचेस। इन स्विचेस के थ्रू आप अपने घर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कहीं से भी किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप अपने घर में हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट काम आ जाएगा, और अगर आप घर में नहीं है तो वाईफाई कनेक्शन का होना नेसेसरी है। मान लीजिए अगर आप अपने घर से निकल गए और आप ऑफिस जाते समय आपको रास्ते में याद आता है कि आप अपने घर का फैन ऑफ करना भूल गए हैं, तो 10 घंटे का लाइट कंजप्शन तो वो पक्का है। या फिर आप पेट्रोल फूंक के वापस आइए, समय को खराब करिए और तब फैन को मैन्युअली ऑफ करके वापस ऑफिस जाइए। उसके बाद आपके बॉस भी आपको सुनाएगा, या उसकी जगह आप इन वाईफाई स्मार्ट स्विचेस को यूज करके अपने डाउट को भी दूर कर सकते हैं कि वो डिवाइस आपकी ऑन है या ऑफ है। और अगर आप नहीं मोबाइल भी छूना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बिना किसी अदर डिवाइस को यूज किए, मतलब स्मार्ट वाईफाई डिवाइस, मतलब स्मार्ट वाईफाई स्विच और उसके अलावा कोई भी अदर डिवाइस यूज किए बिना अपनी सारे इक्विपमेंट्स को अपने घर पहुंचने पे ऑटोमेटिकली ऑन और अपने घर से जाते ही ऑटोमेटिकली ऑफ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी डिवाइस लेके आने वाला हूँ जिससे आपकी एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 50% होने वाला है, मतलब आपका लाइट का बिल भी बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। स्मार्ट स्विचेस में मैं यूज करने वाला होममेड का 4 गैन स्विच और फैन रेगुलेटर, वो भी होममेड का। अब अगर आप अपने स्विचेस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्विचेस सिर्फ रोमा प्लेट्स में फिट हो सकती हैं, मतलब अगर मॉड्यूलर प्लेट्स आपके यहाँ नहीं लगी हैं, पुराने टाइप वाले स्विचेस लगे हैं जिसमें ये फिट नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेनिक्सी का स्मार्ट स्विच। ये स्विच फिजिकल स्विच नहीं देते ये लोग, ये पूरा मैकेनिज्म देते हैं, मतलब एक ऐसी किट देते हैं। इस किट को आप अपने रेगुलर स्विचेस में बोर्ड के पीछे फिट करा सकते हैं और मैन्युअली तो ऑपरेट कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप सेम मॉड्यूलर लगाने के बाद अपने स्विचेस को मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं, मतलब मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है उनको कहीं से भी। या अगर आपने अगर होम असिस्टेंट यूज कर रखा है लाइक एलेक्सा, गूगल होम असिस्टेंट या एप्पल का होम पॉड, तो फिर आप अपने होम असिस्टेंट के थ्रू बोल के भी इन स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इनका फिजिकल कनेक्शन बहुत ईजी है। इन दोनों डिवाइसेस का कनेक्शन मैंने खुद से किया है, पर मैं वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हर इंसान वो नहीं कर सकता है। इसके लिए आप बेहतर होगा आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लें, वो 150 रुपए लेके इजीली आपका ये स्विच चेंज कर देगा। आप दोनों में से जो भी चाहें वो स्विच यूज कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। पर अगर आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज है तो आप अपने घर की MCV गिरा के ये स्विचेस खुद भी फिट कर सकते हैं। इसमें आपको दोनों ही कंपनियां, दोनों क्या सारी ही कंपनियां कस्टमर केयर नंबर प्रोवाइड करती हैं, जिसपे आपको वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गाइड करती हैं, जिससे आप अपने सारे स्विचेस खुद रिप्लेस कर सकें। पर वो आप पे खुद पे है कि आप उसको खुद चेंज करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिशियन से चेंज कराना चाह रहे हैं। पर सिक्योरिटी पर्पस से मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज नहीं रखते हैं, फेज न्यूट्रल लाइन का नॉलेज आपको नहीं है, तो आप बेहतर होगा किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के ये स्विचेस उससे रिप्लेस कराएं। अगर आपने निक्सी का इस डिवाइस यूज किया है तो इसमें जब सारे कनेक्शन हो जाएंगे तो यहाँ पे एक ये रीसेट बटन दे रखा है, इसको लॉन्ग प्रेस करके आप टेनिक्सी की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे भी टेनिक्सी लिख देंगे तो उनकी ऐप ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब आप अपनी ऐप से अपनी यूजर आईडी डाल के, अगर आप नए यूजर हैं तो साइन अप करके, अगर पुराने यूजर हैं तो साइन इन करके। साइन अप के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आपकी एक आईडी बन जाएगी टेनिक्सी की ऐप में और आप अपना कनेक्शन उसके थ्रू कर सकते हैं। मैं इस डिवाइस का कनेक्शन आपको नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि ये डिवाइस मैंने आपको दिखाने के लिए अपने मॉड्यूलर स्विच से निकाली है, ताकि मैं आपको इस डिवाइस को दिखा सकूं ये कैसे आती है। और होममेड की जो डिवाइसेस हैं ये मैंने अपने स्विच बोर्ड में फिट कर रखी है। इलेक्ट्रिशियन आपके स्विच तो लगवा देगा पर वाईफाई सेटअप वो शायद ना करवा पाए, इसीलिए वाईफाई का सेटअप ऐप में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको इन चारों में से किसी एक बटन पे, अगर आपने 4 गैंग स्विच लिया है या आपने फैन रेगुलेटर लिया है, तो उसके लिए इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है
लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि इसके जो मिड पे एक लाइट ब्लिंक करने लगती है। अगर नहीं कर रही है तो आपको इसको 2-3 बार प्रोसेस करना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे ये लाइट ब्लिंक करने लगी है, मतलब ये कनेक्शन के लिए रेडी है। लाइट ब्लिंक करने के बाद आपको अपने फोन में स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड कर लेनी है। स्मार्ट लाइफ ऐप का साइन अप प्रोसेस जानने के लिए आप मेरी स्मार्ट प्लग वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरी वीडियो मैंने जब एक्सप्लेन की है तो उसमें बताया है कि आपको स्मार्ट लाइफ ऐप क्यों डाउनलोड करनी है। तब मैंने पोर्ट्रॉनिक्स का स्मार्ट प्लग लिया था, तब मैंने आपसे बोला था कि आपको पोर्ट्रॉनिक्स की ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करनी है। उसका रीजन मैंने तब भी बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर आप स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको डिफरेंट डिवाइसेस को ऐड करने के लिए डिफरेंट ऐप्स नहीं यूज करनी पड़ेगी। बस आप स्मार्ट लाइफ ऐप को सिंगल यूज करके कई सारे ब्रांड्स की सारी डिवाइसेस इसी सिंगल ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आपको स्मार्ट लाइफ ऐप ओपन करने के बाद इसमें ऐड डिवाइस पे जाना है। लोकेशन के लिए इसने एक्सेस मांगी हमसे, उसको एक्सेस दे देनी है, अलाउ कर देना है जो भी परमिशन बोलता है। उसके बाद ब्लूटूथ को ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद हमने यहाँ पे अपने फैन रेगुलेटर को रीसेट किया था, इसीलिए देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने ब्लूटूथ ऑन किया है ये फैन रेगुलेटर ऑप्शन बन के आ गया है। हमको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है एक बार। और अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अपनी सारी डिवाइसेस, स्मार्ट होम ऑटोमेशन में आने वाली सारी डिवाइसेस सिर्फ 2.5 GHz की फ्रिक्वेंसी की वाईफाई से ही कनेक्ट होती है, 5G वाले वाईफाई से कनेक्ट नहीं होती है। तो इसीलिए हमको अपना वाईफाई 2.5 GHz वाले वाईफाई से कनेक्ट करके रखना है फोन का, और यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करना है और ये डिवाइस हमारी ऐड हो जाएगी। इस पे डन क्लिक कर देना है और हमारी जो डिवाइस है, जैसे हमने फैन रेगुलेटर को अभी कनेक्ट किया है, सेम उसी तरीके से हम 4 मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल या 1 मॉड्यूल की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो 4 मॉड्यूल की डिवाइस छोटे अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए कनेक्ट करना है, पर अगर आपको स्मार्ट स्विच अपनी एसी के लिए, गीजर के लिए या लार्ज अप्लायंसेस के लिए यूज करना है तो आपको इनका 16 एम्पियर का जो स्विच आता है सिंगल मॉड्यूल का, वो यूज करना है। आपको अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग ही स्विच चूज करने हैं। अब हमारा ये कनेक्शन हो गया है। जैसे मैंने फैन रेगुलेटर को कनेक्ट किया है, सेम इसी तरीके से आपको बाकी स्विचेस को कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं के स्विच पे कनेक्ट क्लिक करूंगा, फैन ऑन हो गया है। स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, लाइक लेवल 5 पे चल रहा है, मैं इसको लेवल 4 पे चला सकता हूँ, 3 पे चला सकता हूँ, 2 पे चला सकता हूँ। और देखिए जैसे ही जैसे मैं इसकी स्पीड को कम कर रहा हूँ अपने फोन से, वैसे वैसे मेरे फैन की स्पीड भी कम हो रही है। मिनिमम लेवल 1 है और मैक्सिमम लेवल 5 है। फैन रेगुलेटर का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि इसकी स्पीड भी हम कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर आपने डिवाइस ली है 4 गैंग वाली, मतलब 4 स्विच वाली डिवाइस ली है, तो उसको भी 4 स्विच आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हम लोग जैसे ही ऐप में इसकी स्पीड कम कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो कम हो रहा है, मतलब स्पीड यहाँ मैनुअल भी कम हो रही है। लाइक मैंने 4 पे किया है, उसके बाद मैं अब मैं 3 पे कर रहा हूँ तो 3 पे हो रहा है, फिर 2 पे कर रहा हूँ तो 2 पे स्पीड हो रही है। मैं जैसे जैसे ऐप में कर रहा हूँ वैसे वैसे मैनुअल स्विच भी हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं मैनुअली बढ़ाऊंगा तो ऐप में भी देखिए अपडेट हो रहा है, बिल्कुल लाइव है, विद इन सेकेंड का भी फर्क नहीं है। मतलब जैसे ही हम इधर से चेंज करते हैं उधर होता है, या उधर करते हैं तो इधर हो जाता है। ये तो हो गया इसका ऐप का सेटअप। अब हमें ऑटोमेशन के लिए क्या करना है, मतलब अगर आप चाहें तो बिना अपने फोन को टच किए, बिना इस मैनुअल स्विच को टच किए, जब आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को चाहें कि घर आते ही वो डिवाइस ऑन हो जाए, और आपके घर छोड़ते ही वो डिवाइस या सारी डिवाइसेस जो आप सेलेक्ट करें वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, उसके लिए आपको स्मार्ट लाइफ ऐप पे जाना है, मीट ऐप पे क्लिक करना है, थर्ड पार्टी सर्विसेज में जाके मोर पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास अमेज़न की एलेक्सा है तो सो गुड है, अगर नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं, आपको बस गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करना है और लिंक टू गूगल असिस्टेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको ऑप्शन देगा जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपको अपने गूगल से इसको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको गूगल होम ऐप डाउनलोड कर लेनी है। गूगल होम ऐप डाउनलोड होने के बाद
आपको इसको ओपन कर लेना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी चूज कर लेनी है, जिस भी आईडी से आपने स्मार्ट लाइफ ऐप को रजिस्टर किया था। उसको रजिस्टर करने के बाद इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे इसने लोकेशन एक्सेस मांगा है। आपको लोकेशन एक्सेस दे देनी है, अलाउ कर देना है, ब्लूटूथ को टर्न ऑन कर देना। इसके बाद ये जैसे ही सारी परमिशन मांगता है, आपको सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है। सारी परमिशंस देना जरूरी है, वरना ऑटोमेशन वाला काम ये नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप अगर चाहें, जैसे मैंने सारी डिवाइसेस ऐड कर रखी है वो यहाँ पे होम पेज पे आपको दिख रही है, आप चाहे तो किसी को होम पेज पे सिलेक्ट करने के लिए फेवरेट में डाल सकते हैं, पर मैं अभी नॉट नाउ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप जब डिवाइसेस पे जाएंगे तो नीचे देखेंगे कि आपने जो जो डिवाइस ऐड की थी वो लिंक टू यू में आ जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो सबको एक रूम बना के भी डाल सकते हैं या वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे बेडरूम में मैंने अभी दिखाया फैन ऑन किया था और बाकी लाइट्स ऑन की थी। जो होम मेड की डिवाइस मैंने ऑन की थी, मतलब अटैच की थी इससे, वो चार डिवाइस थी, वो चारों डिवाइस इसमें शो हो रही थी। अब हम बैक आ जाते हैं और हमें सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक प्रेजेंस सेंसिंग का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करना है और अलाउ दिस होम टू यूज दिस फोन लोकेशन पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी फोन लोकेशन, जो मैंने फोन यूज कर रखा है उसकी लोकेशन इसमें ऑन कर रखी हो, और अभी जैसे कि मैं अपने घर पे हूँ तो ये होम की लोकेशन दिखा रहा है। अब हमें बैक पे क्लिक करना है, मिड में ऑप्शन दे रखा है ऑटोमेशन का, इस ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन है व्हेन समवन कम्स होम, इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें ऐड एक्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो डिवाइस ऐड करनी हो इसमें, कि मतलब जब हम घर पे हो तो ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, उस डिवाइस पे क्लिक करना है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, होम मेड की जो डिवाइस ऐड की थी उसमें चार लाइट ऐड हुई है मेरी, चारों लाइट का मैंने अलग अलग नाम दिया है, एक लाइट का नाम कलर लाइट है, उसको क्लिक करके मैंने टर्न ऑन ऑफ का ऑप्शन पे ऑन का ऑप्शन क्लिक किया है, और उसके बाद इसको सेव कर देना है। अब जैसे ही हम अपने घर पहुंचेंगे कहीं से बाहर आके, तो ये लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ऑफ करने के लिए अवे पे क्लिक करना है, ऐड एक्शन पे क्लिक करना है। ऐड एक्शन पे क्लिक करने के बाद हमको जो जो डिवाइसेस ऑफ करनी है, मतलब अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो जो डिवाइस ऑफ हो, एग्जांपल के तौर पे मैं वो कलर लाइट का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ और इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब इतनी सी सेटिंग करने के बाद, अब आप जब भी घर से बाहर जाएंगे, आपकी जो जो डिवाइसेस आपने सेलेक्ट की हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। जनरली आप चाहें, अगर आप घर पे अकेले रहते हैं तो आप सारी डिवाइसेस ऑफ कर सकते हैं, आप सारी डिवाइसेस को ऑफ कर सकते हैं। इससे आपका लाइट कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब एक और ऑप्शन इसमें है जो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए अब आप घर में भी रहते हैं और दो चार लोग और भी रहते हैं, ठीक उसी तरीके से आप सबकी आईडी, सिर्फ सिंगल गूगल होम आईडी बना के सबकी ईमेल आईडी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि अगर आप घर के बाहर चले जाएं और घर में कोई है तो जो फैन ऑन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ ना हो जाए। उसके लिए हमें सेटिंग पे जाना है और होम के नीचे प्लस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके इंटर नेम और ईमेल पे जाना है। इसमें जिस किसी का भी आपको एक्सेस देना है उसकी ईमेल आईडी आपको सिंपली इंटर कर देना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद सामने वाले पर्सन के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, अगर उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका भी नाम अटैच हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपको देख रहे हैं एक नाम मैंने ऑलरेडी अपने सिवा ऐड कर रखा है। अब अगर आप दोनों में से, मतलब अगर आपने दो लोगों की आईडी में एक्सेस कर रखी, अब अगर आप दो लोगों में से दोनों लोग घर के बाहर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइसेस ऑफ हो जाएंगी, और अगर दोनों लोग बाहर हैं और कोई भी एक बंदा या बंदी, मतलब जो भी है, वो अगर घर पे आ जाता है तो वो डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगी। आप अपने सॉकेट का स्विच इन्हीं डिवाइसेस से कनेक्ट करके अपने सारे ऑटोमेशन कर सकते हैं। लाइक अगर आप घर पहुंचते हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट ऑन हो जाए, और अगर आप घर से बाहर जाते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट ऑफ हो जाए। इसी तरीके से फैन, लाइट, ये जो भी डिवाइसेस आप चाहते हैं, जैसे आपको पसंद है कि आप घर आए तो आपको टीवी ऑन मिल जाए, आपके घर पहुंचते ही इस डिवाइस से टीवी आपकी ऑन हो जाएगी और आपके घर छोड़ते ही टीवी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है और अब आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इतना करने के बाद अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग। तो दोस्तों, ये होममेड की और टेनेक्सी की डिवाइसेस मैंने काफी समय पहले ली थी। होममेड का जो ये स्विच है ये अप्रॉक्स 1400 का मुझे पड़ा था, ये 4 गैंग स्विच है, और ये जो टेनेक्सी का मैंने ये स्विच ले रखा है ये 6 गैंग स्विच है। स्विच बोर्ड है उसमें 6 मॉड्यूल मैंने
अभी नॉर्मल बटन कर रखे हैं आपको दिखाने के लिए, और दो सॉकेट मैंने इसके होममेड के कर रखे हैं ताकि आपको मैं अच्छे से एग्जांपल दे पाऊं। तो अब मैं इस डिवाइस को मैं परचेज लगभग 2200 में किया था, लेकिन अभी समय बीतने के साथ इन दोनों डिवाइसेस के रेट कम हो गए हैं काफी। आप चाहे तो मैंने दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से भी अमेज़न के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अब कर लेते हैं इसके रिव्यू की बात। तो दोस्तों, होममेड की जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस बहुत अच्छी हैं। बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी डिवाइसेस को इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ लाइट से कनेक्ट करते हैं और लाइट चली जाती है, तो कभी कभी होता है कि आपकी डिवाइसेस ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। डिस्कनेक्ट होने के कारण ये पूरा ऑटोमेशन ऑफ हो सकता है, तो आपको ये फिर से पूरी डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ सकती है और ऑटोमेशन की सेटिंग फिर से करनी पड़ सकती है। टेनिक्सी की डिवाइसेस में ऐसा नहीं है, टेनिक्सी की डिवाइस कनेक्ट होती है तो कनेक्ट ही रहती है, आज तक कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। एक आध बार अगर गलती से हो भी जाती है तो वो इन दोनों के कंपैरिजन में होममेड डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा शो करता है। ये इतना भी ज्यादा नहीं है, मान लीजिए आप महीने में एक या दो बार मैक्सिमम, और इसका तो 6 महीने में एक बार लगभग। अगर इन्वर्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो लाइट का इशू नहीं रहता है, तो डिस्कनेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन टेनिक्सी की जो डिवाइस है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है, इनका स्विच डिले बहुत ज्यादा है। मतलब जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया कि होममेड की स्विच जो मैंने यूज की थी, इसका रिजल्ट इंस्टेंट आता है, पर टेनिक्सी की डिवाइस के केस में ऐसा नहीं है। इसमें अप्रॉक्स 0.05 सेकंड का या 0.8 सेकंड का डिले रहता है। और इसके अलावा जो कस्टमर केयर सर्विस है, होममेड की सर्विस ओके है, पर टेनिक्सी का जो कस्टमर सपोर्ट है वो जबरदस्त है, मतलब 10 out of 10 है। इतना अच्छा कस्टमर रिस्पॉन्स किसी भी कंपनी का मैंने आज तक नहीं देखा है। ये पूरा सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, ये हर तरह से आपका सपोर्ट करते हैं, आपका दोस्त बनके, ना कि एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव बनके। तो आप टेनिक्सी की डिवाइस भी ले सकते हैं और होममेड की डिवाइस ले सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद आए। तो दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई सवाल है मन में तो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।